तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, तत्काल न्यूज लाइव से मैं अब्दुल शेख। अभी हम खड़े हैं यहाँ पर इंदौरा चौक पे वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यालय पर, और जानते हैं हम कि जो सरकार के खिलाफ इन्होंने मतलब जो बैनर लेके खड़े है और इनकी क्या नाराजगी है और सरकार को ये क्या मदद चाहते हैं हम इनके लिए, जनता के लिए। तो आइए जानते हैं हम वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष तत्काल न्यूज में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, आप ये जो बैनर लेके खड़े हैं यहाँ पर, ये जो कोविड महामारी के सरकार के खिलाफ है, तो आपका ये क्या कहना है इसके बारे में सर, क्या मदद चाहते हैं आप सरकार के? भारत में लोग चाहिए, लोग चाहिए हमें, लोगों का राज। लेकिन फिर भी आज इस कोरोना काल के दौरान 14-15 महीने में कितने बार एक साल लॉकडाउन लगा दिया गया। इस लॉकडाउन की वजह से गरीब मजदूर पीड़ित शोषित वंचित हाथ ठेले वाले सब्जी विक्रेता ऑटो चलाने वाले रोज लाकर काम पे जाकर रोज खाने वाले उनके मजदूर लोगों की बड़ी हालत ख़राब हुई है। जिनके पास पैसा है वो दवा पानी सब खरीद सकता है, बड़े बड़े अस्पताल में बेड खरीद सकता है, लेकिन ये जो गरीब मजदूर वर्ग है इनके तरफ कौन ध्यान देगा? पहले आपने लॉकडाउन करके उनके कमाई का जरिया बंद कर डाला है, इनको खाने की सोई नहीं है। इसके लिए कई समाज सेवी संस्था इनको गेहूँ चावल अन्य जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में उनके पास बिजली बिल पानी बिल घर का टैक्स भरने को पैसे नहीं। अगर वो बीमार हो जाता है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लाख लाख रुपए मांगते हैं वो पैसे नहीं है, और जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं वहाँ बेड नहीं है, वहाँ उनको सुरक्षा नहीं है, वहाँ उनको औषध उपचार नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए हमारा कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी, पालक मंत्री हो या यहाँ के खासदार हो यहाँ के आमदार हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहर के मजदूर गरीब हाथ मजदूर करने वाले लोग खेत मजदूर लोग इनका ध्यान कैसा रखा जाए। ये सरेआम गरीबों की मौत हो रही है, क्यों? कि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास काम नहीं है, सारा काम सरकार ने इनका बंद करके रखा है। तो हमारा कहना है कि ऐसे गरीब मजदूर लोगों के लिए सरकार की क्या उपाय योजना है। हमारी ये डिमांड है, हमारा ये कहना है कि ऐसे गरीब तबके के लोगों को निःशुल्क औषधोपचार होना चाहिए, इनको बेड फ्री मिलना चाहिए, इनको रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन, इनको कोविड का टीका, ये सारे औषध पानी सब फ्री मिलना चाहिए। अगर ये फ्री नहीं मिलेगा इनको तो इनके पास पैसे नहीं है, ये तड़प तड़प के रोज मर रहे हैं, आगे भी मरेंगे। गरीबों की हालत इस नागपुर शहर और जिला में बहुत खराब हालत है। इसके लिए हमारा सरकार से निवेदन है कि इन गरीबों को मुफ्त सुविधा, मुफ्त बिजली, मुफ्त कोविड के औषध उपचार मिलना चाहिए, अन्यथा हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन प्रकाश अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में यहाँ करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। इसके लिए हम सूचित करना चाहते हैं यहाँ के खासदार, यहाँ के पालक मंत्री, यहाँ के आमदारों को कि आप देखिए गरीबों की कितनी हालत खस्ता हो रही है, काम नहीं है, पैसे नहीं है, ऐसे में वो दवाइयों के बिना मरे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। आज सरकार का राज, ये लोग गरीब लोगों का राज बोलते हैं अपन लोकशाही, ये लोकशाही नाम की चीज नहीं बची है जिंदा। इसके लिए यहाँ के खासदार, यहाँ के पालक मंत्री, यहाँ के आमदारों को निवेदन है कि यहाँ के लोगों को मुफ्त सुविधा उपलब्ध की जाए, अन्यथा वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पे उतर कर आंदोलन करें। सर, आप ये बताइए कि जैसे कि यहाँ के हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने जैसे कहा है कि ऑटो वालों को 1500 रुपये दिया जाएगा, फेरी वालों को 1500 रुपये दिया जाएगा, और एक महीने का राशन भी मतलब मुफ्त मिलेगा राशन की दुकान पे। तो ये अभी जो गाइडलाइन जो सरकार की तरफ से है, जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तो ये लोगों को पैसा मिला है या राशन मिला है, इसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? 15 दिन हो गया, उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन कितने लोगों को दिया? आप पत्रकार लोग उनको जाके पूछिए, मुख्यमंत्री को और यहाँ के सरकार को, कितने ऑटो वालों को, कितने मजदूरों को इन्होंने 1500 रुपये जो घोषित किया वो तो कितने लोगों को मिला? उनका कोविड खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने जो फेंकने वाला काम किया है कि हम लोग मदद करेंगे, ये सरासर गलत है।
लोगों के साथ मजाकबाजी है, खिलवाड़ है। उन्होंने अभी तक किसी को एक पैसा नहीं बांटा गया। सर आपका नाम बताइए सर। किशोर कैसल। किशोर कैसल जी बताइए, आप क्या, आपका क्या विरोध है सर? तो हमारा यही है कि जो भी अपना महाराष्ट्र शासन और केंद्र सरकार जो लोग जो बेरोजगार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जो सुविधा नहीं मिल रही है, अगर नहीं मिली ये सुविधा तो लोग रोज मरेंगे। इसके लिए वंचित भोजन आघाड़ी की तरफ से प्रकाश आम्बेडकर साहब के माध्यम से हम लोग रोड पर उतरेंगे और इससे बड़ा और धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तर नागपुर के अध्यक्ष है सर, आपका नाम क्या है? प्रवीण पाटिल। हाँ प्रवीण पाटिल जी, आप बताइए सर कि आपने जो ये वंचित बहुजन आघाड़ी का जो सामने बैनर हाथ में लिए है और आपकी मतलब सरकार से डिमांड ये है कि यहाँ पर सब औषधें निःशुल्क मिलना चाहिए, और आप ये मतलब मैसेज सरकार को और यहाँ की मनपा को ये देना चाहते हैं सर, तो बताइए सर कि आप इसके लिए आप क्या क्या करेंगे? हमारा कहना है कि हम आम जनता से, आप सरकार जो भी कुछ कर लेते हो, पैसा लेते हो, तो ये आपका नैतिक अधिकार बनता है और ये लोगों का भी अधिकार बनता है कि इतनी बड़ी महामारी के समय में सरकार ने इस समय में इन सामान्य जनताओं को पूरा दवाई पानी का पूरा खर्चा इनका निःशुल्क करना चाहिए। प्लस इन्होंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो सामान्य पेशेंट जो भी एडमिट है उनका भी खर्चे का बंदोबस्त सरकार ने करना चाहिए, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इनकी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसी को सब सभी लोगों को इन्होंने निःशुल्क दवा पानी करना चाहिए। और पिछले साल जैसी मुंडे साहब थे मनपा में आयुक्त, उन्होंने नागपुर शहर में पूरे शहर में उन्होंने सैनिटाइजिंग किया था, लेकिन अभी एक साल होते हुए आया है ये सुब्रमण्यम भी जो अभी मनपा के जो आयुक्त तो आए हैं इनका तो नाई कभी हमको थोपड़ा देखने को मिला है। इन्होंने नाई कभी शहर में कोई सैनिटाइज किया है, ना ही कोई एरिया सैनिटाइज किया है। जिधर उधर में जिधर उधर तो कोविड का तो पूरा प्रकोप फैला हुआ है, लेकिन कोई सैनिटाइज नहीं देते, तो कोई एरिया कोई गली नहीं किया हुआ है। यानी मनपा की तरफ से कोई भी एरिया में पूरे नागपुर में कहीं पर भी सैनिटाइजर की मतलब कार्रवाई अभी तक हुई नहीं, आपको ये बोलना चाहे? बिल्कुल, ये मनपा आयुक्त ने ये चीज करना चाहिए और इन नागपुर शहर की सभी जनताओं को इन्होंने वो सुविधा देनी चाहिए, पूरे शहर भर में इन्होंने हर गली में इन्होंने सैनिटाइज करना चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यालय पर और जो नागपुर शहर के अध्यक्ष है खिंडे जी, हमने उनसे भी बाइट लिया है, उनका भी हमने जो उनका विरोध है सरकार से उसके बारे में हमने उनसे भी जानना चाहा है, और उन्होंने सारी बातें बताई है कि यहाँ पर महामारी के टाइम पे प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है इनको, और इनका ये भी कहना है कि पूरे नागपुर शहर के अंदर यहाँ पर सैनिटाइजर नहीं हो रहा है, तो गली मोहल्ले और पूरे नागपुर शहर में सैनिटाइजर मनपा की तरफ से होना ज़रूरी है। इनका ये बोलना भी जायज़ है कि यहाँ पर जैसे जो पेशेंट घर में क्वारंटाइन है तो वो उन पेशेंटों के घर पे और वो पेशेंट के आजू बाजू वाले घर पर भी सैनिटाइजर होना बहुत ज़रूरी है। महामारी बहुत फैल चुकी है, आप देख रहे हैं कि रोज़ की कितनी मौतें हो रही है, और ना ऑक्सीजन मुहैया हो रहा है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन वक्त पर मिल पा रहे हैं, ना बेड मिल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के जितने भी कार्यकर्ता है तो ये अध्यक्ष जी के साथ में ये सब इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि आप इनके हाथ में वोट देखते हैं, ये बोर्ड देखिए आप, इन्होंने सरकार को भी मैसेज दिया है, ये देखिए इनका बोर्ड, ये देखिए ऑक्सीजन सुविधा निःशुल्क झालीच पाहिजे, ये देखो सर्वांना स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क मिळाली पाहिजे, ये देखिए हर जगह मतलब ये इनका अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। बताइए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन भी इस पे इनके जो विरोध है इस विरोध को देखते हुए कुछ ना कुछ जल्द से जल्द कदम उठाए। मैं अब्दुल शेख, तत्काल न्यूज़ लाइव, नागपुर।